खरगोश किस देवी देवता का वाहन है और खरगोश किसका अवतार है, आज के वीडियो में यही जानेंगे। यह तो आपने सुना ही होगा कि भगवान शिव का वाहन नंदी जी है और भगवान गणेश का वाहन चूहा है, भगवान भैरव का वाहन कुत्ता है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, सरस्वती माता का वाहन हंस है। यह हम सभी को पता है कि हिंदू देवी देवताओं के कोई ना कोई वाहन हुआ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि खरगोश किस देवी देवता का वाहन है या फिर खरगोश किसका अवतार है? तो मैं बताना चाहूंगी कि खरगोश किस देवी देवता का वाहन है, इसका अभी तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे शास्त्रों पुराणों में भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए अगर देखा जाए तो खरगोश किसी का वाहन नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि खरगोश किसका अवतार है। इसके बारे में भी हमारे पुराणों ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए अगर देखा जाए तो खरगोश किसी का भी अवतार नहीं है हिंदू माइथोलॉजी के अंतर्गत। परंतु कुछ देशों में या फिर ऐसे मान्यता है कि खरगोश देवी स्त्री का प्रतिनिधित्व करने वाला जीव है। कुछ पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार खरगोश चंद्रमा देवी सेलेन का अवतार माना जाता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि खरगोश प्रजनन क्षमता के देवता का अवतार है, इसलिए क्योंकि खरगोश जल्दी प्रजनन क्षमता करने में भी जाना जाता है, इसलिए खरगोश को प्रजनन क्षमता के देवता का अवतार भी मान सकते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हिंदू देवी देवताओं में से खरगोश किन्हीं का भी वाहन नहीं है और हिंदू देवी देवताओं में से किसी भी देवी देवताओं का अवतार खरगोश नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके बारे में हमारी पौराणिक कथाओं या फिर ग्रंथ में ऐसा नहीं पाया गया है अब तक। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है खरगोश को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश कुकलू आप सभी लोगों से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय।